जय हिंद फ्रेंड्स मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी एस क्लासेस पे आज हम लोग एस एस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर से करें और साथ ही साथ क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य करें आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है सारे सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एस एस के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को शेयर कीजिए और साथ ही साथ क्लास में सारे सवालों के आंसर कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है ऑप्शन ए दोहरा सरकार ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाएं ऑप्शन डी लिखित संविधान तो फटाफट आंसर करें इनमें से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय सेवा अखिल भारतीय सेवा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है और भारत का अगर पूछे आपसे कि फेडरल फीचर क्या क्या है तो याद रखेंगे भारत का भारतीय संविधान का जो संघीय विशेषता है इसके अंतर्गत ड्यूल गवर्नमेंट आता है डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान यानी लिखित संविधान शक्तियों का विभाजन और दोहरा सरकार भारत का संघीय विशेषता है लेकिन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन भारत का संघीय विशेषता नहीं है तो आंसर याद रखेंगे अखिल भारतीय सेवा ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है तो आंसर करेंगे इनमें से कौन से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया भारतीय संविधान को सेमी फेडरल बताया ऑप्शन ए एम वी पाइली ऑप्शन बी गुन्नार मिडल ऑप्शन सी ए वी डाइजी ऑप्शन डी के सी वीहर तो आपका सही आंसर होगा भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया के सी ने ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा तो के सी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है संविधान सभा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है ऑप्शन ए संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की ऑप्शन बी संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। ऑप्शन सी संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया ऑप्शन डी संविधान सभा ने जुलाई उन्नीस में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया तो यहां पे कौन सा सही स्टेटमेंट है तो आप जान रहे हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि संविधान सभा ने जनवरी को राष्ट्रगान अपनाया अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रगान कब अपनाया गया तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान अपनाया गया था तो इनमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है ऑप्शन नंबर बी अगर आपसे पूछे राष्ट्रगीत कब अपनाया गया तो याद रखना राष्ट्रगीत भी चौबीस जनवरी उन्नीस को अपनाया गया था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों चौबीस जनवरी उन्नीस को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था याद रखेंगे अगर आपसे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछेगा तो यहां पे लिखा है राष्ट्रीय ध्वज जुलाई उन्नीस में अपनाया गया जो कि गलत है राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था ठीक है तो याद रखेंगे भारत के संविधान के निर्माण में दो साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था और भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था और चौबीस जनवरी उन्नीस को याद रखना है राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी आपको बताना है संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी ऑप्शन ए बारह ऑप्शन बी दस ऑप्शन सी चौदह ऑप्शन डी पंद्रह तो संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी तो याद रखना है पंद्रह आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी पंद्रह संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी तो संविधान सभा में पंद्रह महिला सदस्य थी आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे आंसर करेंगे संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया ऑप्शन बी एवी ठक्कर ऑप्शन सी जेबी कृपलानी ऑप्शन डी के एम मुंशी तो आंसर करेंगे संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया आंसर ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे पट्टाभी सीतारामैया आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है तो इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है ऑप्शन ए संप्रभु ऑप्शन बी लोकतांत्रिक ऑप्शन सी संघीय ऑप्शन डी समाजवादी तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी संघीय या फेडरल आंसर क्या होगा संघीय तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है कौन सा शब्द संघीय शब्द आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है इसको याद रखेगा अब यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है तो प्रस्तावना से बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछ सकता है जैसे कि प्रस्तावना के बारे में आप जानते होंगे अगर आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है पहला सवाल याद रखना है कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है कौन सा तो बयालीसवां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द को जोड़ा गया समाजवादी अखंडता और पंथनिरपेक्ष ठीक है तो याद रखिएगा कि प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन बयालीसवां संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस सौ ईस्वी में हुआ था और पूछेगा प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था तो समाजवादी अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था अगला आपको याद रखना है कि उद्देशिका प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है इसको आप याद रखना है क्यों याद रखियेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में जैसे पूछता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था तो याद रखना है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर उन्नीस को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था इसलिए प्रस्तावना को उद्देश्य भी कहा जाता है समझ में आया तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव तेरह दिसंबर उन्नीस को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और आपका उद्देशिका को क्या कहा जाता है तो याद रखना है उद्देशिका भी कहा जाता है प्रस्तावना को ठीक है तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे अल्लादिकय्यर कृष्ण स्वामी अय्यर कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा के किस विभाग के अध्यक्ष थे आपको बताना है ऑप्शन ए प्रत्यय पत्र समिति ऑप्शन बी संघ शक्ति समिति ऑप्शन सी कार्य सूची समिति ऑप्शन डी मौलिक अधिकार उप समिति तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय पत्र समिति याद रखेंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे तो प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष तो कौन थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ऑप्शन नंबर ए अगर आपसे पूछे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ठीक है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे अगर आपसे पूछे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी याद रखेंगे अगर आपसे पूछे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे ठीक है इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई आपको बताना है संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई ऑप्शन ए धारा 6 का दो ऑप्शन बी धारा दस का एक ऑप्शन सी धारा बारह का दो ऑप्शन डी धारा आठ का एक तो यहां सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा आठ का एक तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई तो संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस की धारा आठ एक द्वारा मान्यता दी गई ऑप्शन नंबर डी जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति ऑप्शन बी कार्यों पर समिति ऑप्शन सी व्यापार समिति का आदेश ऑप्शन डी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति तो आंसर करेंगे जीवी मावलंकर संविधान सभा के किस विभाग के अध्यक्ष थे तो याद रखना है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना है पूछ सकता है एग्जाम में तो याद रखेंगे कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर अगर आपसे पूछे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना है डॉ राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्यों पर समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर संविधान सभा का दसवां सत्र कब आयोजित किया गया था संविधान सभा का दसवां सत्र कब आयोजित किया गया था ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर उन्नीस ऑप्शन बी 14 से 31 जुलाई उन्नीस ऑप्शन सी 4 नवंबर उन्नीस से 8 जनवरी उन्नीस ऑप्शन डी 16 मई 16 मई से 16 जून उन्नीस तो आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा का जो दसवां सत्र था याद रखना है कि संविधान सभा का दसवां सत्र छह से 17 अक्टूबर 2000 6 से 17 अक्टूबर उन्नीस तक आयोजित किया गया था संविधान सभा का दसवां सत्र 6 से 17 अक्टूबर उन्नीस तक आयोजित किया गया था आंसर ऑप्शन ए आपको पता होगा भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था तो याद रखना है 26 नवंबर उन्नीस को 26 नवंबर उन्नीस को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था अगला पूछ सकता है भारतीय संविधान पुनः लागू कब हुआ यानी पूरी पूर्णतः लागू कब हुआ तो भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था छब्बीस जनवरी उन्नीस को याद रखेंगे और इस सवाल का आंसर क्या होगा संविधान सभा का, का दसवां सत्र कब आयोजित हुआ था तो संविधान सभा का दसवां सत्र 6 से 17 अक्टूबर उन्नीस को आयोजित किया गया था ठीक है संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर उन्नीस को याद रखना है संविधान सभा की पहली बैठक नौ दिसंबर उन्नीस को आयोजित की गई थी निम्नलिखित में से कौन उन्नीस में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना इनमें से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथनी ऑप्शन बी हंसा जीवराज मेहता ऑप्शन सी कमला चौधरी ऑप्शन डी बेगम एजाज रसूल तो आंसर करें इनमें से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना तो सही आंसर होगा अम्मू स्वामीनाथनी ऑप्शन ए अमु स्वामीनाथनी तो याद रखिएगा 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के हिस्सा बने अमु स्वामीनाथनी ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे आपको बताना है संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो आप जानते हैं कि बी आर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति ठीक है बी आर अंबेडकर जी अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के और प्रारूप समिति में टोटल सात सदस्य थे बी आर अंबेडकर और छह अन्य सदस्य थे याद रखना है तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो याद रखना है संविधान सभा की प्रारूप समिति में सात सदस्य थे ठीक है अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे याद रखना है इसके अलावा इसमें और कौन कौन सा व्यक्ति था तो एन गोपाल स्वामी अयंगर डॉक्टर के एम मुंशी बी एम मित्रा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी पी खेतान ठीक है तो टोटल याद रखना है कि इसमें सात व्यक्ति थे प्रारूप समिति में चलिए अगला सवाल देखते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और याद रखना है बाद में डीपी खेतान के बाद टीटी टी को शामिल किया गया था ठीक है भारत का संविधान हस्तलिखित है किनके द्वारा लिखित है भारत का संविधान ऑप्शन ए कन्हैयालाल लाल मुंशी ऑप्शन बी गंगाधर खैर ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो आपको बताना है भारत का संविधान हस्तलिखित है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत का संविधान हस्तलिखित है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा तो भारतीय संविधान किनके द्वारा हस्तलिखित है तो याद रखना है भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है आपको बताना है संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था तो आप जानते हैं कि संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था तो संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ था जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था याद रखेंगे ठीक है? किस राज्य के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए तो आप जानते हैं राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष होना चाहिए तो याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम पैंतीस वर्ष की आयु होनी चाहिए तो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष ठीक है अगर आपसे पूछे पच्चीस साल तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम पच्चीस साल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम तीस साल प्रधानमंत्री अगर अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम पच्चीस वर्ष होना चाहिए अगर लोकसभा से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं समझ में आया तो यहां पे याद रखना है पच्चीस साल लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पच्चीस साल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तीस साल और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पच्चीस साल इस सवाल का सही आंसर होगा राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम पैंतीस साल भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 से ऑप्शन बी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 से ऑप्शन सी भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930 से ऑप्शन डी भारतीय कंपनी अधिनियम 1930 से तो आपको बताना है कि भारत के संविधान ने संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को किससे अपनाया है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 ठीक है तो याद रखेंगे कि भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थी इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी तो याद रखना है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया गया था केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा याद रखना है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था यानी बर्मा यानी म्यांमार ठीक है तो बर्मा या म्यामार भारत से अलग हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा याद रखिएगा पूछता है एग्जाम में और कब अलग हुआ था या म्यानमार? तो बर्मा या म्यांमार याद रखना है म्यांमार उन्नीस सौ सैंतीस ईस्वी में भारत से अलग हुआ था किस अधिनियम द्वारा तो उन्नीस के भारत सरकार अधिनियम द्वारा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय सर्वायत्ता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए तो आंसर करेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय सर्वायत्ता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान किए ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम अठारह ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909 तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 ठीक है तो केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण पूछेगा याद रखना है केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया इसके अलावा संघीय विशेषता और प्रांतीय सर्वायत्ता की शुरुआत किसके द्वारा हुई तो याद रखना है संघीय विशेषता और प्रांतीय सर्वायत्ता की शुरुआत भी भारत सरकार अधिनियम उन्नीस का देन है आंसर ऑप्शन बी संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे थी। ठीक है तो आपको बताना है इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए चौरासी ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 109, ऑप्शन डी तिरानवे तो फटाफट आंसर करेंगे संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे तो याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या तीन सौ नवासी थी संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या तीन सौ नवासी निश्चित की गई थी जिसमें दो सौ बिरानवे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि चार चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं तिरानवे देशी रियासतों के प्रतिनिधि थी प्रतिनिधि थे तो आपसे यही पूछा गया कि देसी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे तो आंसर हो जाएगा तिरानवे समझ में आया तो याद रखना है संविधान सभा की कुल सदस्य कितनी सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी तो संविधान सभा की कुल सदस्य तीन निश्चित की गई थी तीन में से दो दो बानवे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे चार चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और तिरानवे थे आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए यानी संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किया ऑप्शन ए छब्बीस नवंबर उन्नीस ऑप्शन बी चौबीस जनवरी उन्नीस ऑप्शन सी 26 नवंबर उन्नीस ऑप्शन डी 24 जनवरी उन्नीस तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 तो संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर कब हस्ताक्षर किए तो याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी तो आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी ऑप्शन ए उन्नीस सौ ईस्वी ऑप्शन बी उन्नीस सौ ईस्वी ऑप्शन सी उन्नीस सौ ईस्वी ऑप्शन डी उन्नीस सौ ईस्वी तो फटाफट बताएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1934 ईस्वी में की थी तो अगर आपसे पूछे ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय संविधान सभा की मांग किस वर्ष की थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग वर्ष उन्नीस ईस्वी में की थी अगला सवाल पूछ सकता है कि संविधान सभा का गठन जो है किस आधार पर किया गया था तो याद रखना है कैबिनेट मिशन के आधार पर कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा का गठन जुलाई उन्नीस में किया गया था ठीक है तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर याद रखना है कि संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा का गठन जुलाई उन्नीस में किया गया था कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे तो कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर ठीक है तो कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 ईस्वी में और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी याद रखना है 1934 ईस्वी में आंसर ऑप्शन डी नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं ऑप्शन ए संविधान ऑप्शन बी प्रस्तावना ऑप्शन सी दस्तावेज ऑप्शन डी अनुबंध तो सही आंसर क्या होगा संविधान संविधान है क्या एक्चुअल में तो आप जानते हैं कि संविधान जो है नियमों और सिद्धांतों का एक सेट है जिसके द्वारा क्या होता है पूरे भारत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चलाया जाता है यानी हम लोग बोल सकते हैं कि नियम और सिद्धांतों का एक सेट है संविधान और जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत होते हैं तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पे याद रखिएगा ठीक है और याद रखना है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था नौ दिसंबर उन्नीस को याद रखना है ठीक है 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था तो आपको बताना है इनमें से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था ऑप्शन ए सरोजनी नायडू ऑप्शन बी सचिदानंद सिन्हा ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर ऑप्शन डी सचिंद्रनाथ सान्याल तो सही आंसर क्या होगा सचिदानंद सिन्हा याद रखना है संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किन्हें चुना गया था तो संविधान सभा का इंटरम प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था ऑप्शन बी ठीक है उन्नीस में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किन्हें चुना गया था सचिदानंद सिन्हा को ऑप्शन बी भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे आंसर करेंगे संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी बी आर अंबेडकर तो आपको आंसर करना है कि संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो बी आर अंबेडकर याद रखेंगे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो बी आर अंबेडकर जी अब ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे कि बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त उन्नीस को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया पूछेगा प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन प्रारूप समिति बोले या फिर मसौदा समिति बोले एक ही चीज है तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था तो याद रखना है प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था ठीक है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 सौ ईस्वी को किया गया था और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल सात सदस्य थे कौन कौन तो अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर चौथे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी पांचवे सैयद मोहम्मद सादुल्ला छठ छठे सदस्य थे एन माधव राव ठीक है छठे सदस्य थे एन माधव राव और बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव आए थे याद रखेंगे और सातवें सदस्य थे डी पी खेतान ठीक है सातवें सदस्य थे डी पी खेतान।, खेतान और बाद में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था तो कुल मिला के ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति में सात सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था इसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे आंसर ऑप्शन डी तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर करेंगे आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं क्लास को सपोर्ट करें भारत में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है आपको बताना है भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन ए तीस नवंबर ऑप्शन बी पंद्रह अक्टूबर ऑप्शन सी छब्बीस नवंबर ऑप्शन डी दो अक्टूबर तो सिंपल सा क्वेश्चन है पूछा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो आप जानते हैं कि छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो याद रखना है कि भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना है कि 26 नवंबर को भारत में हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान दिवस 26 नवंबर तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा याद रखना है कि 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है अगर आपसे पूछे कि पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस कब मनाया गया था ठीक है तो पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था कौन सा ईयर में तो याद रखना है 2015 में ठीक है पूछेगा कौन सा साल मनाया गया था पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर को तो 2015 में ठीक है तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पहली बार कब मनाया गया 2015 ईस्वी में याद रखेंगे और 2015 ईस्वी में संविधान निर्माता बी आर अंबेडकर जी का एक जन्मदिन था उसी अवसर पर 26 नवंबर से संविधान दिवस के रूप में शुरू किया गया तो याद रखना है 26 नवंबर को पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया 2015 हज़ार पंद्रह ईस्वी में और बाकी और सवाल क्या बन सकता है तो आपको पता होगा कि 26 नवंबर उन्नीस को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था छब्बीस नवम्बर उन्नीस को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए चुना गया याद रखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अंबेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे अंबेडकर जी याद रखेंगे ठीक है और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति में सात सदस्य थे याद रखेंगे और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था लेकिन विभाजन के कारण वह जो क्षेत्र था वह पूर्वी पाकिस्तान में चला गया बाद में अंबेडकर जी का पुनः निर्वाचन बंबई से हुआ था याद रखेंगे तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी ऑप्शन बी निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कन्हैयालाल मान मानिकलाल मुंशी ठीक है याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने आंसर ऑप्शन नंबर बी और प्रस्तावना के बारे में आपको पता ही होगा अगर एक सवाल बहुत पूछता है यहाँ पे कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा तो याद रखना है कि एन ए पालकी वाला एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था इसके अलावा आप जानते हैं कि भारत भारतीय संविधान की प्रस्तावना का

संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस ईस्वी में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था याद रखेंगे ठीक है तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था आपको बताना भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था ऑप्शन ए उन्नीस ऑप्शन बी उन्नीस ऑप्शन सी 1949 ऑप्शन डी 1948 तो भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था 1940 ईस्वी में तो याद रखना है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था तो 1940 ईस्वी में भारत में पहला संविधान सभा चुनाव हुआ था ठीक है याद रखिएगा कि संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1940 में चुनाव हुआ था दो सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिला था जबकि मुस्लिम लीग को तिहत्तर सीट मिला था और 15 सीट अन्य छोटे समूहों को मिला था समझ में आया तो भारतीय संविधान सभा का पहला चुनाव याद रखना है कब हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था इसको भी आप याद रखिएगा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके अलावा याद रखना है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद उन्नीस ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था क्रिप्स मिशन 1942 में आया था याद रखना है क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था ठीक है तो कैबिनेट मिशन के आधार पर याद रखना है कि संविधान सभा का गठन किया गया था 1940 ईस्वी में तो यहां आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लास को फटाफट शेयर कीजिएगा अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के आठ कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था तो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के आठ कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। ठीक है तो इंपॉर्टेंट सवाल है इसका आप आंसर करें अगर आपको यह क्वेश्चन आपको यह भी पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा साल कौन सा अध्यक्ष हुआ था तो भी आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं जैसे ऑप्शन नंबर ए लिखा है उन्नीस आपको पता है उन्नीस का जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू नहीं थे उसके अध्यक्ष कौन थे 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि आपको पता है कि 1925 का कानपुर अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू उन्नीस का कानपुर अधिवेशन उन्नीस तो होगा ही नहीं अगला है 1928 1928 का कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे याद रखना है 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और याद रखना है यहाँ पे लिखा भी है कि अध्यक्ष तो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के आठ कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था तो 1928 वाला याद रखना है 1928 का कलकत्ता अधिवेशन 1928 का कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू 1930 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है 1930 का जो अधिवेशन हुआ था सॉरी 1930 नहीं इंपॉर्टेंट है 1931 इंपॉर्टेंट है 1931 का कराची अधिवेशन आपसे पूछेगा 1931 का कराची अधिवेशन याद रखना है पटेल जी अध्यक्ष थे 1931 के कराची अधिवेशन में तो इस चीज को आप याद रखिएगा 1931 का कराची अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे पटेल जी यानी वल्लभ भाई पटेल समझ में आया पटेल जी अध्यक्ष थे तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत पूछता है कि 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी ठीक है उन्नीस वाला भी याद रखेगा 28 में बने थे अध्यक्ष कौन मोतीलाल नेहरू और 29 में अध्यक्ष कौन बने थे तो जवाहरलाल नेहरू उन्नीस का लाहौर अधिवेशन समझ में आया तो यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है उन्नीस का लाहौर अधिवेशन पूछेगा तो उन्नीस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जे एल नेहरू ने उन्नीस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जे एल नेहरू ने और उन्नीसो के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा ठीक है याद रखना है 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की, की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है आपको बताना है इनमें से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है ऑप्शन ए लिखित संविधान ऑप्शन बी विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका ऑप्शन सी एकल स्तरीय सरकार ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तो आपको बताना है भारत का संघीय ढांचा का विशेषता नहीं है आपको पता होगा भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है तो लिखित संविधान जो है भारत का संघीय ढांचा का विशेषता है अगला है विवाद के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आपको पता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है कार्यपालिका से अलग है न्यायपालिका यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है तो विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका यह भी जो है भारतीय संघीय ढांचा का विशेषता है अगला है एकल स्तरीय सरकार ये गलत है एकल एकल स्तरीय सरकार जो है भारत की संघीय ढांचा का विशेषता नहीं है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी एकल स्तरीय सरकार भारत की संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है अगला ऑप्शन जो है डी नंबर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आप जानते हैं कि अनुसूची सात में अनुसूची सात आप लोग पढ़े होंगे अनुसूची सात के तहत केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और शक्तियों का बंटवारा करने हेतु तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा अनुसूची है संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है ठीक है तो इसको भी आप याद रखिएगा कि सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और शक्तियों का विभाजन करने हेतु सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूचियां हैं संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची ठीक है तो यह भी क्या है भारतीय संघीय ढांचा का विशेषता है लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है तो आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं ठीक है तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे प्रस्तावना में क्या है स्वतंत्रता है समानता है और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है यह प्रस्तावना में नहीं थे यह किस देश से लिया गया है आपको बताना है तो फटाफट आंसर करें इस सवाल का तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस याद रखेंगे कि प्रस्तावना में समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है यह किस देश से लिया गया है तो फ्रांस से लिया गया है ठीक है फ्रांस से लिया गया है आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा ठीक है तो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है यह किस देश के संविधान से लिया गया तो फ्रांस के संविधान से लिया गया बहुत सारा सवाल यहां से बनता है जैसे पूछेगा संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है पूछेगा एकल नागरिकता कहां से लिया गया तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है परमाधिकार लेख कहाँ से लिया गया ब्रिटेन से लिया गया है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिका से लिया गया है इसके अलावा महाभियोग राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है ठीक है तो ये सब एग्जाम है पूछता है आपसे इसके अलावा पूछ सकता है आपसे कि नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व याद रखना है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ठीक है तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ऑस्ट्रेलिया पूछेगा तो संवर्ती सूची का प्रावधान याद रखना है संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समझ में आया जर्मनी से पूछेगा तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन किया जाता है ये जर्मनी के बायमर संविधान से लिया गया है याद रखेंगे ठीक है और कनाडा से पूछेगा तो याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप कनाडा से लिया गया है अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास निहित होता है कनाडा के संविधान से ली गई है ठीक है तो इस सवाल का जो आपका आंसर क्या होगा तो फ्रांस याद रखना है पूछ सकता है एग्जाम में ठीक है तो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है प्रस्तावना में निहित है और यह फ्रांस के संविधान से ली गई है ऑप्शन डी तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था ठीक है तो आपको बताना है 1946 में संविधान तैयार करने के लिए जो संविधान सभा का जो संविधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था यह आपको बताना है तो आप जानते हैं कि संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था बी एन राव को याद रखेंगे भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था तो बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो संविधान सभा के अध्या अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी याद रखेंगे संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे एच सी मुखर्जी और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बी एन राव आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है आपको बताना इनमें से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है ऑप्शन ए वित्त आयोग ऑप्शन बी नीति आयोग ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ऑप्शन डी चुनाव आयोग तो आप जानते हैं इनमें से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है तो नीति आयोग नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है अगला यहाँ से सवाल ये पूछ सकता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था नीति आयोग का गठन कब किया गया आपको बताना है ठीक है नीति आयोग का गठन कब किया गया आपको बताना है तो यहां पे याद रखेंगे कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है तो नीति आयोग याद रखना है और योजना आयोग भी ऑप्शन में दे सकता है तो नीति आयोग या योजना आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है याद रखेंगे आपको पता होगा योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था पंद्रह मार्च उन्नीस को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग का जो स्थापना किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में किया गया था योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा याद रखना है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा लेकिन योजना आयोग को हटा दिया जाता है योजना आयोग को खत्म कर दिया जाता है और योजना आयोग को खत्म करने के बाद नीति आयोग का स्थापना किया जाता है तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंद्रह अगस्त दो को योजना आयोग को समाप्त कर दिया था और पूछेगा नीति आयोग का गठन कब किया गया था तो नीति आयोग का गठन किया गया एक जनवरी दो समझ में आया तो पहले योजना आयोग था लेकिन वर्तमान में नीति आयोग है और नीति आयोग का स्थापना को मंत्रिमंडल के तहत किया गया तो नीति आयोग का ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया याद रखिएगा ठीक है और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी इस सवाल का आंसर समझ में आ गया कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग याद रखेंगे यहां से वित्त आयोग इम्पोर्टेंट बनता है पूछता ए, ए है है एग्जाम में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है याद रखना है आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है चुनाव आयोग पूछेगा तो आपको पता ही होगा भाग 15 में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है यानी भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद तीन से लेकर तीन तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है है ना तो भाग पंद्रह में अनुच्छेद तीन से तीन तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है और निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया था चुनाव आयोग का स्थापना कब किया गया था पच्चीस जनवरी को आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है तो पच्चीस जनवरी 1950 को याद रखना

इनमें से कौन प्रस्तावना का भाग नहीं है ऑप्शन ए स्वतंत्रता ऑप्शन बी सहिष्णु ऑप्शन सी संप्रभु ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखना है सहिष्णु यानी टॉलरेंट प्रस्तावना का भाग नहीं है कौन सा तो सहिष्णु यानी टॉलरेंट बाकी आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्रस्तावना, है? प्रस्तावना का भाग है संप्रभु प्रस्तावना का भाग है धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना का भाग है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो आप जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सात सदस्य थे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्षता बी आर अंबेडकर के द्वारा की गई थी और ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सात सदस्य थे ऑप्शन बी संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की थी तो आपको बताना ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आप जानते हैं बी आर अंबेडकर ऑप्शन नंबर ए मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे बी आर अंबेडकर ऑप्शन ए प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी आपको बताना है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के अध्यक्ष कौन थे यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आपसे पूछे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा तो याद रखना है प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की स्थापना प्रोविंसियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे सरदार पटेल ऑप्शन नंबर बी भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है ठीक है तो आपको बताना है नागरिकता भारत में किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान है आप जानते हैं कि भाग दो में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है पहला सवाल भाग दो में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है याद रखेंगे और नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद पाँच से ग्यारह तक डिस्कस किया गया है तो भाग दो में नागरिकता का प्रावधान है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता ठीक है तो भाग दो में नागरिकता है आर्टिकल पूछेगा तो पाँच से ग्यारह तक भाग दो में अनुच्छेद पाँच से ग्यारह तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है याद रखना है सारा पढ़ाया हुआ सवाल है ठीक है और नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारत में एकल नागरिकता है ब्रिटेन में एकल नागरिकता है याद रखेंगे भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है याद रखेंगे अगर पूछेगा दोहरा नागरिकता तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है याद रखना है अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ठीक है तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है भाग दो अनुच्छेद पाँच से ग्यारह तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था तो आपको बताना संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था तो आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छब्बीस नवंबर उन्नीस तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा 26 नवंबर उन्नीस को संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया 26 नवंबर उन्नीस तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया 26 नवंबर उन्नीस को और भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ पूछेगा कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से लागू कब हुआ तो याद रखना है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था छब्बीस जनवरी उन्नीस को ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था जानते हैं आप लोग कि 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का प्रारंभ तेरह दिसंबर उन्नीस को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था याद रखेंगे और उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया तो याद रखना है बाईस जनवरी उन्नीस को उद्देश्य प्रस्ताव यानी उदेशिका को स्वीकार किया गया था और 26 नवंबर उन्नीस को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर उन्नीस को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था यानी एडॉप्ट किया गया था यानी स्वीकारा गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया था याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उन्नीस में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था तो आंसर करेंगे उन्नीस में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है पहला सवाल तो आपको पता होगा कि भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है तो आपको पता होगा आठवीं अनुसूची आठवां जो अनुसूची है इसका संबंध किससे है भाषा से है आठवीं अनुसूची में मूल रूप से कितना भाषा था और वर्तमान में कितना भाषा है तो आठवीं अनुसूची में मूल रूप से कितना भाषा था आपको बताना है मूल रूप से चौदह भाषा था आठवीं अनुसूची में मूल रूप से कितना भाषा था चौदह भाषा था वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा है तो बाईस भाषा है इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आठ भाषा जो है बढ़ गया यानी आठ भाषा जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है समझ में आया और यही एग्जाम में पूछता है तो याद रखना है कि आठवीं अनुसूची में भाषाओं भाषाओं के का उल्लेख है ठीक है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वर्तमान में आठवीं अनुसूची के अंतर्गत और आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषा था वर्तमान में याद रखना है 22 भाषाओं का उल्लेख है आठवीं अनुसूची में अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर पहले देखते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिंधी ऑप्शन नंबर बी उन्नीस में उन्नीस में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था याद रखना है उन्नीस में आपका मतलब भाषा में संविधान संशोधन मतलब जो आठवीं अनुसूची में तीन बार संविधान संशोधन हुआ ठीक है और उसी तीन संविधान संशोधन के माध्यम से आठ भाषाओं को जोड़ा गया है आठवीं अनुसूची में तो कौन कौन सा वो आपको याद रखना है जैसे आपको याद रखना है कौन सा एक तो याद रखना इक्कीसवां संविधान संशोधन तो पूछेगा कि इक्कीसवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था तो 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उन्नीस में समझ में आ रहा है 21वां संविधान संशोधन हुआ था उन्नीस में इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और सिंधी भाषा को पंद्रवी भाषा के रूप में जोड़ा गया क्योंकि मूल रूप से चौदह भाषा था तो पंद्रवीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया तो ये आपको याद रखना है पंद्रवी भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया ठीक है पूछेगा कि आठवीं अनुसूची में भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया तो आठवीं अनुसूची में पंद्रवी भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया और सिंधी भाषा को इक्कीसवें संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस में जोड़ा गया याद रखेंगे अगला याद रखना है अगली बार जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें तीन भाषाओं को जोड़ा गया था तो कब हुआ था संविधान संशोधन तो याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है संविधान संशोधन इकत्तरवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था याद है आपको इकत्तरवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उन्नीस में हुआ था याद रखना है उन्नीस सौ बानवे ईस्वी में इकत्तरवां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत तीन भाषाओं को जोड़ा गया था किसको किसको नेपाली मणिपुरी और कोंकनी समझ में आया तो याद रखना है इकत्तरवां संविधान संशोधन उन्नीस सौ बानवे ईस्वी में हुआ था और इकत्तरवां संविधान संशोधन के द्वारा तीन भाषा को जोड़ा गया था कितनी भाषा को जोड़ा गया था तीन भाषा को जोड़ा गया था कौन कौन तीन भाषा को तो नेपाली मणिपुरी और कोंकनी समझ में आया तो ये दो संशोधन हो गया और तीसरा संशोधन कौन सा हुआ था आठवीं अनुसूची में तो यह भी आपको याद रखना है बानवेवा संविधान संशोधन बानवे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो अब आपसे पूछेगा बानवेवां संविधान संशोधन कब हुआ था और बानवेवां संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषा को जोड़ा गया तो बानवेवां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था याद रखना है कि बानवे संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और बानवे संविधान संशोधन द्वारा चार भाषा को जोड़ा गया कौन सा भाषा जोड़ा गया चार भाषा को जोड़ा गया बानवेवा संविधान संशोधन द्वारा समझ में आया कौन कौन सा चार भाषा जोड़ा गया तो आप जानते हैं कि मैथिली संथाली डोगरी और बोडो ठीक है तो याद रखना है कि नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट द्वारा बानवेवां संविधान संशोधन द्वारा 2003 हज़ार ईस्वी में चार भाषाओं को जोड़ा गया कौन कौन सा चार भाषा मैथिली संथाली डोगरी एवं बोडो समझ में आया तो टोटल कितना भाषा जोड़ा गया आठ भाषा जोड़ा गया तो मूल रूप से कितना भाषा था आठवीं अनुसूची में तो आठवीं अनुसूची में मूल रूप से चौदह भाषा था वर्तमान में बाईस भाषा है याद रखिएगा उन्नीस में कौन सा भाषा को जोड़ा गया तो उन्नीस में सिंधी भाषा को पंद्रहवीं भाषा के रूप में जोड़ा गया आंसर ऑप्शन बी तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं क्लास को आप लोग सपोर्ट किया करें भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है तो आंसर करेंगे भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर तो आप जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है बी आर अंबेडकर जी को और आप जानते हैं कि भारत के संविधान का पिता कहा जाता है बी आर अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है बी आर अंबेडकर को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे आपको कुल मिला के ये बताना है कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था ऑप्शन ए महात्मा गांधी ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी याद रखेंगे महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है बाकी आपसे पूछ सकता है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आर, न, बी आर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बी आर अम्बेडकर ठीक है याद रखना ये सब सवाल संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी कितने से अधिक न हो ऑप्शन ए तीस लाख से अधिक नहीं हो ऑप्शन बी चालीस लाख ऑप्शन सी दस लाख ऑप्शन डी बीस लाख तो आंसर क्या होगा बताएंगे सही आंसर होगा बीस लाख भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता अगर वहां की आबादी बीस लाख से अधिक नहीं हो ठीक है आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी तो याद रखना है भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता अगर उस राज्य की आबादी जो है बीस लाख से अधिक नहीं हो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन सी विजया लक्ष्मी पंडित ऑप्शन डी राजकुमारी अमृता कौर तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृता कौर याद रखेंगे स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री कौन था तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृता कौर ठीक है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 31 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो आपका जो सही आंसर होगा 28 जनवरी 1950। तो याद रखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था तो याद रखना है भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन छब्बीस जनवरी उन्नीस को हुआ था इंपॉर्टेंट सवाल है आंसर ऑप्शन नंबर याद रखना है अट्ठाईस जनवरी उन्नीस पचास को हुआ था माफी चाहेंगे अट्ठाइस जनवरी उन्नीस सौ पचास छब्बीस जनवरी के दो दिन के बाद रिलेट कर लीजिएगा कि छब्बीस जनवरी के दो दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था और ईयर पूछेगा तो उन्नीस सौ पचास में योजना आयोग का गठन भी आपको पता होगा उन्नीस सौ पचास में हुआ था योजना आयोग का गठन किया गया था पच्चीस जनवरी योजना आयोग नहीं निर्वाचन आयोग आपसे पूछेगा निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था तो रिलेट कर लीजिएगा निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था पचीस जनवरी उन्नीस को है ना निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था पचीस जनवरी उन्नीस सौ को और वैसे ही याद रखना है सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा उद्घाटन या गठन कब किया गया था तो बस सेम ईयर में किया गया था तो 1950 सौ पचास वहां से याद रह जाएगा और डेट में याद रखना है कि 26 जनवरी के दो दिन के बाद यानी 28 जनवरी ठीक है तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है आपको बताना है तो आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का संविधान है और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है याद रखेंगे तो भारतीय संविधान में क्या है एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है इसके अलावा याद रखना है अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को अपनाया गया है अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है और नागरिकता प्राप्त करने हेतु पाँच प्रकार है भारत में पांच प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है जन्म के आधार पर वंशाधिकार के आधार पर पंजीकरण द्वारा द्वारा भूमि के अर्जन द्वारा याद रखेंगे ठीक है तो यहां पे आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है एकल नागरिकता का भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान का विचार कहां से लिया गया द्विसदनीय यानी लोकसभा और राज्यसभा तो संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार कहाँ से लिया गया है आपको बताना है तो एकदम सिंपल सा सवाल है द्विसदनीय कहाँ से लिया गया है संसद में जो दो सदन है यानी द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो याद रखना है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है तो याद रखिएगा विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है द्विसदनीय शासन व्यवस्था यानी द्विसदनीय संसद ब्रिटेन से लिया गया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ठीक है याद रखिएगा आंसर ऑप्शन सी भारत के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान से उधार लिया गया है आपको बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को कहां से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है आपको पता होगा नीति निर्देशक सिद्धांत से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है पहला सवाल पूछेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया यानी संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व याद रखेंगे कि आयरलैंड के, के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व अगला सवाल पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूछेगा किसका है तो याद रखना है कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग चार में उल्लेखित है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भाग चार में उल्लेखित है और अनुच्छेद छत्तीस से इक्यावन तक डी का उल्लेख है अनुच्छेद छत्तीस से इक्यावन तक ठीक है तो भाग चार के अंतर्गत अनुच्छेद छत्तीस से इक्यावन तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है याद रखेंगे अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बार बार एग्जाम में पूछता है जैसे आपको याद रखना है एक अनुच्छेद 44 सभी को पता होगा सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है अगला पूछता है अनुच्छेद पचास याद रखना है अनुच्छेद पचास में क्या है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है अनुच्छेद पचास के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किया गया है अनुच्छेद इक्यावन में क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद इक्यावन में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद उनचास में तो याद रखना है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों का संरक्षण करना किसमें है अनुच्छेद उनचास में यानी राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है या जो स्थान है उसका संरक्षण किया जाएगा अनुच्छेद उनचास में ऐसा कहा गया है ठीक है इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है तो आपको बताना है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है यह किस देश के संविधान से ली गई है तो इंपॉर्टेंट सवाल है आंसर पता है तो आंसर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है अब जो यहां से इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है राज्यसभा से तो राज्यसभा से क्या क्या सवाल आपका बन सकता है एक तो आप याद रखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम तीस वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा का जो संरचना है अनुच्छेद अस्सी में उल्लेखित है याद रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद अस्सी राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है यानी राज्यसभा का गठन अनुच्छेद अस्सी के तहत किया गया है राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है तो राज्यसभा में अधिकतम ढाई सदस्य हो सकता है तो याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है परंतु वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं याद रखिएगा और याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले बारह सदस्यों को राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है ठीक है तो राज्यसभा में बारह सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है याद रखिएगा और यह किस देश के संविधान से लिया गया है तो याद रखना है आयरलैंड से लिया गया है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समझ में आया तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रक्रिया कहां से लिया गया है आयरलैंड से याद रखेंगे इसके अलावा आपको पता होगा सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है याद रखिएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है राज्यसभा एक परमानेंट सदन है राज्यसभा का कभी भी विघटन यानी रिजोल्यूशन नहीं होता है याद रखेंगे और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छ वर्ष होता है राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल वर्ष होता है याद रखना है प्रत्येक दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्य का निर्वाचन होता है इंपॉर्टेंट है ठीक है समझ में आया तो यहां आंसर क्या हो जाएगा आयरलैंड याद रखना है भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद तीन के तहत संविधान संशोधन किया जाता है संविधान संशोधन किया जाता है अनुच्छेद तीन के तहत और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो याद रखना है अनुच्छेद तीन के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ठीक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है अब यहाँ ये सवाल पूछ सकता है कि संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है किस भाग में उल्लेखित है तो भाग बीस में समझ में आया भाग बीस में ये ये जरूर याद रखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में उल्लेखित है तो भाग बीस में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद तीन के तहत संविधान संशोधन किया जाता है और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया आंसर ऑप्शन सी भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनमें वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ठीक है तो बहुत आसान पूछा है मतलब भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और वह किस देश से लिया गया है तो इनमें से कौन सा मैच गलत है यह आपको बताना है ऑप्शन ए कानून के शासन का विचार तो कानून के शासन का विचार कहाँ से लिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ब्रिटिश संविधान से बिल्कुल सही तो कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से लिया गया है तो ये आपका सही है ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों का चार्टर मौलिक अधिकार का चार्टर कहाँ से लिया गया है तो याद रखना है मौलिक अधिकार का जो चार्टर है यह आपका कहाँ से लिया गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया यानी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है अगला ऑप्शन है राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो आप जानते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है तो याद रखना है भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग चार में और अनुच्छेद छत्तीस से इक्यावन तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत तो पहला दूसरा और तीसरा आपका सही है इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है ऑप्शन नंबर डी तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और यहाँ पे पूछा है स्वतंत्रता समानता ठीक है पूछा है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कनाडा से लिया गया जो कि गलत है आपको याद रखना है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का जो विचार है ये फ्रांस से लिया गया कहाँ से लिया गया है फ्रांस से लिया गया है समझ में आया फ्रांस तो याद रखना है कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का विचार कहाँ से लिया गया तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है ठीक है तो आंसर कौन सा गलत था ऑप्शन नंबर डी तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था आपको बताना इनमें से कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था ऑप्शन ए मौलिक अधिकार ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन सी प्रस्तावना ऑप्शन डी संवर्ती सूची तो आपका सही आंसर क्या होगा पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो याद रखना है कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था तो याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना को सोस पंचवर्षीय योजना को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो इंपॉर्टेंट सवाल है इसको भी आप याद रखिएगा ठीक है बाकी मौलिक अधिकार आप जानते हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार अगर पूछेगा प्रस्तावना तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है लेकिन अगर पूछेगा प्रस्तावना की भाषा तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है याद रखेंगे ठीक है संवर्ती सूची पूछेगा तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ठीक है तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है याद रखेंगे तो यहां जो आपका आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो आप जानते हैं न्यायिक पुर्विलोकन का जो शक्ति है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी न्यायिक पुनविलोकन का शक्ति अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है है ना उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से ठीक है मूल अधिकार अमेरिका के संविधान सव... से स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनविलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से लिया गया है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है तो आपको बताना है स्वतंत्रता का सिद्धांत कहां से लिया गया है तो याद रखना है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है ठीक है तो याद रखना है कि स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी फ्रांस से लिया तो गया है तो अगर आपसे पूछे कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ठीक है तो याद रखना है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है याद रखेंगे आंसर ऑप्शन सी भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस संविधान से लिया था तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है फ्रांस के संविधान से लिया गया स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का विचार आंसर ऑप्शन ए भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं यानी आपको बताना है वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है वित्तीय आपातकाल बोला है ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए कना कनाडाई संविधान यानी कनाडा से ऑप्शन बी अमेरिका संविधान अमेरिकी संविधान ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान ऑप्शन डी जर्मनी का संविधान तो याद रखना है वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है अनुच्छेद तीन में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान का वर्णन है और वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है यह आपसे पूछा गया है

भारत में तीन प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है भारत में तीन प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है आर्टिकल तीन के तहत नेशनल इमरजेंसी होता है आर्टिकल तीन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल होता है है ना नेशनल इमरजेंसी यानी एन ई होगा तो आ, आर्टिकल तीन के तहत नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है आर्टिकल तीन के तहत याद रखना राष्ट्रपति शासन आर्टिकल तीन के तहत क्या होता है प्रेसिडेंशियल एनर्जी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी बोल सकते हैं ठीक है या राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं तो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी शॉर्ट में लिखें हम लिख देते हैं पूरा ठीक है आर्टिकल तीन के तहत आर्टिकल तीन के तहत क्या है राष्ट्रपति शासन नहीं तो कन्फ्यूज हो सकते हैं आप लोग राष्ट्रपति शासन आर्टिकल तीन में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है राज्यों में कहाँ लगता है राज्यों में समझ में आया तो आर्टिकल तीन के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है और अगला है वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान समझ में आया तो पूछेगा वित्तीय आपातकाल का प्रावधान तो याद रखना है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद तीन में उल्लेखित है तो तीन प्रकार का आपातकाल हो गया राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद तीन राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद तीन वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद तीन याद रखेंगे। पूछेगा भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है तो भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगा, लगा, तो लगा, लगा है याद रखेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है यानी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है यह किस देश के संविधान से लिया गया है आपको बताना है तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा याद रखेंगे कनाडा से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है तो याद रखना है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा के संविधान से लिया गया है इसके अलावा याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है ठीक है राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा देश के संविधान से ली गई है याद रखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है तो आपको बताना कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है ठीक है कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद एक याद रखना है अनुच्छेद एक ठीक है राज्यपाल के सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है अनुच्छेद एक अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है राज्य आपका राज्यपाल से वो बनता है राज्यपाल की नियुक्ति वाला तो ये बहुत पूछता है राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है तो यहाँ पे आप बताएंगे राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है तो पहला तो आप जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है है ना तो राज्यपाल की नियुक्ति याद रखना है किसके द्वारा होता है तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा याद रखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है और ये आर्टिकल 155 के तहत अनुच्छेद 155 द्वारा तो याद रखना है अनुच्छेद 155 द्वारा ठीक है आर्टिकल 155 द्वारा ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है ठीक है तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है याद रखेंगे और केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है याद रखिएगा ठीक है तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद एक अगला पूछ सकता है राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष की आयु होनी चाहिए याद रखना है राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष की आयु होनी चाहिए अगला याद रखना है कि अनुच्छेद एक भी पूछ सकता है तो याद रखना है अनुच्छेद एक के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है समझ में आया राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ऐसा कहा गया अनुच्छेद एक में याद रखेंगे ठीक है और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपको पता होगा राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत तो ये आपको बताना है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश ठीक है बता दीजिए आप राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है तो अगर पूछेगा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तो याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद एक के तहत समझ में आ रहा है अनुच्छेद एक के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद एक के तहत और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 231 के तहत ठीक है तो सॉरी 213 के तहत तो इसको आप याद रखिएगा ये क्या है अनुच्छेद और दो तो ये दोनों आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ठीक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद एक के तहत जबकि राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद दो के तहत याद रखिएगा ठीक है इस सवाल का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बता दीजिए पूछा था कि राज्यपाल जो सभी कार्यकारी शक्तियों से राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो आपको याद रखना ऑप्शन सी अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है आपको बताना भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान है ठीक है किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है आपको बताना है तो आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा बता देंगे तो आप जानते हैं भाग चौदह में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख उल्लेख किया गया है भाग चौदह में तो यहां पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग चौदह यहां देखिए लिखा है भाग चौदह ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो याद रखना है संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस भाग में है तो भाग चौदह में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है और अगर पूछेगा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? भाग चौदह में अनुच्छेद अगर पूछे भाग में तो याद रखना अनुच्छेद से तक, आर्टिकल तीन सौ आठ से तीन सौ तेईस तक आर्टिकल तीन सौ आठ से तीन सौ तेईस तक ठीक है अनुच्छेद तीन सौ आठ से तीन सौ तेईस तक भाग चौदह के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है ठीक है संघ और राज्य सेवा दोनों आ जाएगा इसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान का उल्लेख भाग चौदह में किया गया अनुच्छेद तीन से तेईस के तहत याद रखेंगे अगर आपसे पूछेगा भाग एक में क्या है तो आप जानते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग एक में उल्लेखित है भाग दो में क्या है नागरिकता भाग तीन में क्या है मौलिक अधिकार भाग चार में क्या है नीति निर्देशक तत्व भाग चार का कौ में क्या है मौलिक कर्तव्य याद रखना है नीति निर्देशक तत्व पूछेगा भाग चार में ठीक है ये ये याद रखना है कन्फ्यूज नहीं करना है भाग चार में पूछेगा तो डी पी एस पी डी पी एस पी यानी नीति निर्देशक तत्व तो पूछेगा तो भाग चार और भाग चार का क पूछेगा तो अंतर है भाग चार का क पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य समझ में आया मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य जो था मूल संविधान में नहीं था संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था लेकिन इसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया इसलिए देखिए कौ कौ लिखा है इसमें ठीक है तो याद रखना है भाग चार में क्या है नीति निर्देशक तत्व है लेकिन भाग चार का कौ पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य ठीक है मौलिक कर्तव्य यहां पे कर्तव्य कर देते हैं तो भाग चार का कौ में क्या है मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा अगला जो इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है, है भाग नौ में क्या है तो भाग नौ में पंचायत पंचायत का उल्लेख है भाग नौ में याद रखना है भाग नौ में पंचायत का उल्लेख याद रखेंगे भाग दस में पूछेगा जैसे यहां लिखा है भाग दस तो भाग दस में क्या पूछेगा भाग दस का संबंध है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से भाग दस में क्या है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र तो भाग दस में क्या है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र ठीक है तो भाग दस में क्या है याद रखना अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान है भाग दस में ठीक है भाग पंद्रह में क्या है निर्वाचन याद रखेंगे भाग पंद्रह में क्या है निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है भाग पंद्रह में राजभाषा का उल्लेख है भाग सत्रह में राजभाषा का उल्लेख है भाग सत्रह में आपातकाल का आपातकाल का उल्लेख है भाग अठारह में संविधान संशोधन का उल्लेख है भाग बीस में याद रखिएगा ठीक है तो इस सवाल का समझ में आ गया आंसर कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है भाग चौदह में है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो क्लास को बहुत बच्चे जो हैं लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग सपोर्ट क्या करें भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है तो यहां आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद बावन से अनुच्छेद अठहत्तर याद रखेंगे अनुच्छेद बावन से अनुच्छेद अठहत्तर तक संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद बावन से अनुच्छेद अठहत्तर तक ठीक है तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद बावन से अनुच्छेद अठहत्तर ठीक है इसको आप याद रखिएगा और अगर आपसे पूछ देगा राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान का उल्लेख कहां है तो भाग 6 में याद रखेंगे भारतीय संविधान के भाग छः के अंतर्गत अनुच्छेद एक से एक तक राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है ठीक है समझ में आ रहा है तो पूछेगा संघ का कार्यपालिका तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद से और अगर आपसे पूछ दे राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान एक सौ तिरपन से अनुच्छेद एक सौ तक राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है आपको पता होगा भाग पांच में संघ के बारे में बताया गया है और भाग छह में राज्य के बारे में बताया गया है यह भी आप याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और, तो और आत्मा किसने कहा है तो आंसर करेंगे अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है ठीक है पहला बात तो आप जानते हैं अनुच्छेद 32 किसके अंतर्गत आएगा ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता।, आता है किसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है याद रखेंगे मौलिक अधिकार भाग तीन में उल्लेखित है मौलिक अधिकार भाग तीन में उल्लेखित है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है ठीक है तो भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार को बताया गया है याद रखना है अनुच्छेद बत्तीस में संवैधानिक उपचार के अधिकार को बताया गया है और संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है तो ये भी याद रखना है अनुच्छेद बत्तीस यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार तो संवैधानिक उपचार का अधिकार याद रखना है संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है यही आपसे पूछा गया है ठीक है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बी आर अंबेडकर जी ने आसान सा सवाल है तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख है और याद रखना है कि अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचार के अधिकार को बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है इसके अलावा याद रखना अनुच्छेद बत्तीस के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है पांच प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो ये भी सवाल पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है ठीक है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद बत्तीस के तहत समझ में आ रहा है तो रिवीजन बहुत जरूरी है इसलिए हम सारा बता देते हैं जो भी हमको लगता है इंपॉर्टेंट तो अनुच्छेद बत्तीस के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है याद रखिएगा चलिए अगला सवाल देखते हैं अच्छा हाई कोर्ट रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी होता है हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है अनुच्छेद 226 के तहत है तो ना तो याद रखना है हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए अगला सवाल देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय हो, होगा यानी yani, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है ठीक है? है तो इस सवाल का आंसर अगर पता है तो आंसर करेंगे किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद एक याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय क्या है अभिलेख न्यायालय है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद एक में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है ठीक है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब ये अभिलेख न्यायालय होता क्या है तो याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना उल्लेखित है अनुच्छेद एक में अब अभिलेख न्यायालय होता क्या है तो याद रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय को सभी शक्तियाँ प्राप्त होती है यानी अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश है उसको फॉलो नहीं करता है तो उसके विरुद्ध वो कार्रवाई कर सकता है ठीक है तो याद रखना अनुच्छेद एक में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का सभी निर्णय आदेश तथा डायरेक्शन अस्थाई मूल स्मृति से सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरण के तौर पर प्रयोग कर सकें यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है उसका यूज किया जाता है आपका जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका यूज करता है ठीक है ये आप याद रखिएगा तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके अलावा और भी यहाँ से बहुत सारा सवाल बन सकता है जैसे आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है है ना पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का गठन तो याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान भाग पाँच में भाग पाँच में उल्लिखित है है ना सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान भाग पाँच में है और अनुच्छेद एक से एक तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है इसके अलावा सवाल बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद एक के तहत ठीक है याद रखना है अनुच्छेद एक के तहत सुप्रीम कोर्ट आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है इंपॉर्टेंट सवाल है पूछता है ये सवाल कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद एक के तहत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे यहां आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संविधान का डैश संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है तो आप जानते हैं अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी तो याद रखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद तीन के तहत अपनाया जाता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग बीस में उल्लेखित है भाग बीस में उल्लेखित है आंसर ऑप्शन सी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है तो काफी अच्छा सवाल है इंपॉर्टेंट है पूछता है एग्जाम में तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद बाइस याद रखना है अनुच्छेद बाईस कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 22 के तहत हिरासत में लेने का कारण बताना होगा 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की इजाजत दी जाती है यानी अधिकार दिया जाता है तो याद रखना है कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद तो अनुच्छेद बाईस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद तेईस पूछेगा तो अनुच्छेद तेईस आप जानते हैं तो बता दीजिएगा अनुच्छेद तेईस में क्या उल्लेखित है तो याद रखिएगा मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध है अनुच्छेद तेईस के तहत याद रखेंगे मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक है अनुच्छेद तेईस के तहत ठीक है अनुच्छेद चौबीस पूछेगा तो बाल श्रम पर रोक लगाया गया अनुच्छेद के तहत बाल श्रम पर रोक है है ना यानी बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया अनुच्छेद चौबीस के तहत चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है ऐसा कहा गया है अनुच्छेद चौबीस में ठीक है याद रखेंगे अनुच्छेद पच्चीस पूछेगा तो आप जानते हैं अंतकरण करने की स्वतंत्रता दी गई यानी धर्म मतलब बोल सकते हैं अंतकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है याद रखेंगे ठीक है और अनुच्छेद 20 पूछेगा तो अनुच्छेद 20 में क्या है तो याद रखना है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है ठीक है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद बीस के तहत तो इस सवाल का आंसर कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण अनुच्छेद बाईस ऑप्शन बी क्लास को शेयर करें और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और संवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है आंसर करेंगे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और संवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के शक्तियों को विभाजित करती है तो आप जानते हैं सातवां अनुसूची सातवां अनुसूची क्या है इंपॉर्टेंट है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखना है कि सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूची का उल्लेख है संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सातवीं अनुसूची याद रखना है कि मूल संविधान में कितना अनुसूची था तो मूल संविधान में आठ अनुसूची था कितना अनुसूची था मूल संविधान में मूल रूप से कितना अनुसूची था आठ अनुसूची था ठीक है आठ अनुसूची मूल रूप से आठ अनुसूची था लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूची है तो बारह अनुसूची है वर्तमान में कितना अनुसूची है तो बारह अनुसूची है तो याद रखना है मूल रूप से आठ अनुसूची था वर्तमान में बारह अनुसूची है इसका मतलब नौवां अनुसूची, दसवां अनुसूची ग्यारवा अनुसूची और बारवा अनुसूची संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है ठीक है तो याद रखना है मूल रूप से आठ अनुसूची था वर्तमान में बारहवां अनुसूची है याद रखेंगे अब इस सवाल से और भी बहुत सारा सवाल बनता है सातवीं अनुसूची से जैसे आपको पूछेगा संघ सूची आप जानते हैं कि सूची में जो भी विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है तो याद रखना है संघ सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है वर्तमान में संघ सूची में संतानवे विषय हैं है वर्तम, याद रखना है कि पहले संतानवे विषय था संघ सूची में अभी जो है सौ विषय है ठीक है तो याद रखना है कि संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में संतानवे विषय थे वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत सौ विषय है अगला याद रखना है राज्य सूची तो याद रखना है कि राज्य सूची में जो भी विषय दिया गया होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है ठीक है तो राज्य राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है वर्तमान में राज्य सूची में इकसठ विषय हैं। याद रखेंगे और संविधान लागू होने के समय में राज्य सूची में छियासठ विषय था ठीक है और संवर्ती सूची से पूछेगा तो याद रखेंगे कि संवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है परंतु कानून के विषय अगर समान होते हैं तो उस सिचुएशन में केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही वैलिड होगा याद रखेंगे और संवर्ती सूची में पूछेगा कितना विषय था तो संवर्ती सूची में स्टार्टिंग में सैंतालीस विषय था यानी जब संविधान लागू किया गया संविधान के लागू होने के समय में संवर्ती सूची में सैंतालीस विषय थे लेकिन वर्तमान में संवर्ती सूची में बावन विषय हैं याद रखिएगा ठीक है तो संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची में का उल्लेख है सातवीं अनुसूची में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है अगर पूछेगा पांचवीं अनुसूची में क्या है तो याद रखना है पांचवी अनुसूची में क्या है तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है पांचवी अनुसूची में अगर पूछेगा नौवीं अनुसूची में क्या है तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में नौवीं अनुसूची जो है पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है याद रखना है कि संविधान में नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा उन्नीस ईस्वी में जोड़ा गया है और नौवीं अनुसूची में क्या है तो भूमि सुधार अधिनियम नौवीं अनुसूची में है ठीक है याद रखेंगे ठीक है तो संविधान में नौवीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा उन्नीस में जोड़ा गया है और नौवीं अनुसूची में याद रखना है भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताया गया है अगर पूछेगा दसवां अनुसूची तो आप जानते हैं दसवीं अनुसूची को बावनवां संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस ईस्वी में जोड़ा गया है और दसवीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है याद रखेंगे ग्यारहवीं अनुसूची पूछेगा तो ग्यारहवीं अनुसूची को तिहत्तरवां संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस ईस्वी में जोड़ा गया है ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है बारहवीं अनुसूची पूछेगा तो बारहवीं अनुसूची को चौहत्तरवां संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस सौ तिरानवे ईस्वी में जोड़ा गया है और बारहवीं अनुसूची में याद रखना है कि नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है समझ में आया यह सारा अनुसूची आपको याद रखना है कि किस अनुसूची में क्या कहा गया है पूछता एग्जाम में जैसे यहां दिया तीसरा अनुसूची तो तीसरा अनुसूची में क्या है तो याद रखेंगे कि तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्री उच्चतम उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ का प्रारूप बताया गया है ठीक है तो याद रखना है तीसरी अनुसूची में क्या है तो शपथ का प्रारूप है पहला अनुसूची में क्या है wonderful... तो पहला अनुसूची में बताया गया है कि भारत जो है भारत जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बना है तो पहला अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है दूसरा अनुसूची में क्या है तो दूसरा अनुसूची में सैलरी के बारे में बताया गया है समझ में आया तो याद रखना है दूसरा अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख किया गया और तीसरी अनुसूची पूछेगा तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया ठीक है तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी सातवां अनुसूची में संघ राज्य और संवर्ती सूची तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है वो आपको डिस्कस करते हैं और बार बार आपको बताते हैं ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाए ठीक है तो क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है आप जानते हैं कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष की आयु होनी चाहिए है ना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद इकसठ के तहत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और आपको पता होगा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है अमेरिका के संविधान से लिया गया है ठीक है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद इकसठ में उल्लेखित है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को चौदह दिन पूर्व लिखित सूचना दिया जाए ठीक है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद एकसठ के तहत याद रखेंगे अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है किस अनुच्छेद में कहा गया है तो अनुच्छेद तिरपन याद रखेंगे अनुच्छेद तिरपन के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है अनुच्छेद अंठावन पूछेगा तो याद रखना है राष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख है अनुच्छेद अंठावन में समझ में आ रहा है अनुच्छेद अंठावन में क्या है तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख है यानी राष्ट्रपति का जो क्वालिफिकेशन है ये कहा गया है अनुच्छेद अंठावन में और अनुच्छेद तिरपन में है कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति अनुच्छेद बावन में क्या है तो अनुच्छेद बावन में राष्ट्रपति के पद को बताया गया है तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद बावन में उल्लेखित है याद रखेंगे तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा अगर पूछे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद चौवन में याद रखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद चौवन में उल्लेखित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद निम्न में से बत्तीस से संबंधित है तो अनुच्छेद 32 में क्या है तो सभी जानते हैं अनुच्छेद 32 में क्या है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद बत्तीस में क्या है संवैधानिक उपचार का अधिकार तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद बत्तीस में संवैधानिक उपचार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब यहाँ से और भी सवाल बन सकता है जैसे आपसे पूछ सकता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो आप जानते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है ठीक है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछेगा तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है संपत्ति का अधिकार तो अब हटा हट गया है आपको पता होगा कि मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार था मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार था लेकिन चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है तो ये भी आप याद रखिएगा ठीक है तो यहां जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल बत्तीस संवैधानिक उपचार का अधिकार भारत के संविधान का भाग तीन किससे संबंधित है आप जानते हैं भाग तीन मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का, का उल्लेख है मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है भाग दो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भाग दो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग दो में है अनुच्छेद पाँच से ग्यारह तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है और नागरिकता जो है कहां से लिया गया है तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है नागरिकता ठीक है अगला पूछेगा नीति निर्देशक तत्व तो, तो आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व तो भाग चार में उल्लेखित है अनुच्छेद छत्तीस से इक्यावन तक नीति निर्देशक तत्व तो का उल्लेख है मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो याद रखना है मौलिक कर्तव्य भाग चार का कौ में उल्लेखित है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद इक्यावन कौ में उल्लेखित है ठीक है भाग पूछेगा इसको लिख लीजिएगा मौलिक कर्तव्य वाला इंपॉर्टेंट है भाग चार का कौ मौलिक कर्तव्य भाग चार का कौ और आर्टिकल पूछेगा मौलिक कर्तव्य का तो अनुच्छेद इक्यावन ए ठीक है इक्यावन ए या इक्यावन कॉ ठीक है तो इक्यावन कॉ में अनुच्छेद इक्यावन को में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है तो भाग तीन समझ में आ गया मौलिक अधिकार ऑप्शन बी भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है आपको बताना है कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है तो सही आंसर क्या होगा भाग छह भाग छह जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है अब देखिए भाग छः जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित है और भाग छः के अंतर्गत अनुच्छेद एक से, से दो से से तक आता है ठीक है अनुच्छेद एक से दो तक याद रखना है अनुच्छेद एक से दो तक, तक भाग छः में अनुच्छेद एक से दो तक उल्लेखित है और राज्य विधानमंडल किसके अंतर्गत आएगा भाग छः में आएगा क्योंकि भाग छः के अंतर्गत राज्य से संबंधित प्रावधान है ठीक है भाग छः के अंतर्गत राज्य से संबंधित प्रावधान है और अगर पूछता भाग पाँच तो याद रखना भाग पाँच के अंतर्गत संघ से संबंधित प्रावधान है भाग पांच के अंतर्गत संघ से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद बावन से लेकर एक सौ इक्यावन तक भाग पांच से संबंधित प्रावधान है समझ में आया भाग पांच में अनुच्छेद बावन से एक सौ इक्यावन तक इंपॉर्टेंट इसको भी याद रखिएगा कि भाग पांच में अनुच्छेद बावन से लेकर एक सौ इक्यावन तक संघ से संबंधित प्रावधान है ठीक है इंपॉर्टेंट है बाकी भाग चार के बारे में आप जानती हैं भाग चार में नीति निर्देशक तत्व है भाग चार में क्या है नीति निर्देशक तत्व है भाग आठ ये क्या लिखा है भाग सात लिखा है भाग सात आप जानते कि भाग सात पूछेगा तो निरस्त कर दिया गया है भाग सात जो है ये निरस्त किया जा चुका है ठीक है तो इसको याद नहीं रखना है तो यहां पे आंसर होगा कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित नहीं है तो सॉरी राज्य विधानमंडल से संबंधित है तो याद रखेंगे भाग छह भाग छह जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित है आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है आपको आंसर करना है इंपॉर्टेंट सवाल है पूछता है एग्जाम में तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है याद रखेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है याद रखेंगे धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास पावर होता है याद रखेंगे ठीक है तो कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 110 सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों के स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है यानी ये मौलिक अधिकार से संबंधित है तो इस सवाल का आंसर करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित हों अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार उनको दिया गया है तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 30 याद रखिएगा ठीक है अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रसारण शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है तो फटाफट आंसर करेंगे कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद छियासठ याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद तो अनुच्छेद छियासठ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद छियासठ ऑप्शन नंबर ए ठीक है आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारा सवाल यहाँ से भी बनता है जैसे कि पूछेगा उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है ठीक है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं ठीक है और याद रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद तिरसठ के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है तो उपराष्ट्रपति के पद का सृजन अनुच्छेद तिरसठ के माध्यम से किया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पूछेगा तो अनुच्छेद छियासठ में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान को बताया गया है ठीक है अगला याद रखना है उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष की आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है याद रखना है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ठीक है इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है यानी उच्च न्यायालय पूछा है यानी हाई कोर्ट हाई रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत याद रखिएगा ठीक है इंपॉर्टेंट सवाल है इसको आप याद रखेंगे भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारत के संविधान का इसके स्थापना का प्रावधान करता है यानी किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया है आपको बताना है एकदम आसान सवाल है चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है आपको बताना है तो फटाफट आंसर करेंगे कि चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है तो आप जानते हैं कि निर्वाचन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख भाग पंद्रह में है अनुच्छेद तीन से तीन तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद तीन के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है है ना तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 324 याद रखना है अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया तो याद रखना है निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया है निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया है याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समझ में आया तो भाग पंद्रह में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है याद रखेंगे ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है ठीक है तो कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है तो सभी जानते हैं अनुच्छेद तीन के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों खादानों आदि में नियोजित करने से रोकता है यानी बाल श्रम पर रोक लगाता है कौन सा अनुच्छेद तो इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं अनुच्छेद चौबीस के तहत बाल श्रम पर रोक लगाया जाता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखना है अनुच्छेद चौबीस के तहत बाल श्रम पर रोक लगाया गया है ठीक है अनुच्छेद तेईस पूछेगा तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाया जाता है अनुच्छेद तेईस के तहत ठीक है तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद चौबीस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा यानी आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान है ठीक है तो यहाँ आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद तीन का बी ठीक है मतलब ये इसको डी कर लीजिएगा ठीक है तो अनुच्छेद तीन का बी के वन में कहा गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद तीन बी का वन भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है तो एकदम आसान सवाल है समानता के अधिकार का संबंध कहाँ से कहाँ तक है आपको बताना है ठीक है तो आप जानते हैं अनुच्छेद चौदह से अठारह तक समानता के अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद चौदह से अठारह तक याद रखना है समानता का अधिकार है अनुच्छेद चौदह से अठारह अगर पूछेगा उन्नीस से बाईस तक स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद उन्नीस से बाईस तक यहाँ याद रखेंगे अनुच्छेद उन्नीस से बाईस तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है अगर पूछेगा तेईस और चौबीस तो आप जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद तेईस और चौबीस शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछ दे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद तेईस और चौबीस याद रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद तेईस और चौबीस पच्चीस से अट्ठाइस पूछेगा तो आप जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का, का अधिकार पूछ देगा तो आप लिख लीजिएगा पच्चीस से अट्ठाइस समझ में आ रहा है सारा आपको याद रखना है बहुत बार पढ़ाएं भी हैं आपको ठीक है तो यहां से याद क्या रखना है कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद चौदह से अठारह स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद से बाईस शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद और 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद पच्चीस अधिकार अनुच्छेद और और ठीक है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद उन्तीस से तीस संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद बत्तीस इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए तो सेशन को फटाफट एक बार आप लोग सपोर्ट कीजिए लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी ठीक है अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आप जानते हैं बारह अनुसूची है वर्तमान में मूल संविधान में आठ अनुसूची था वर्तमान में बारह अनुसूची है आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है ठीक है तो आंसर करें किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद दो तो याद रखिएगा अनुच्छेद दो में उल्लेखित है कि संसद के पास संघ में सूची संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद दो में ऐसा कहा गया है याद रखेंगे ठीक है समझ में आया कि थोड़ा धीरे बताएं संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्ति है अनुच्छेद 240 के अनुसार आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है तो भाग दो में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद पांच से ग्यारह तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भाग तीन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद बारह से पैंतीस तक मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है भाग छह में राज्य से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद एक से दो तक राज्यों से संबंधित प्रावधान है भाग पांच में संघ से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद बावन से एक तक भाग पांच में संघ से संबंधित प्रावधान है आंसर हो जाएगा भाग दो नागरिकता आंसर ऑप्शन सी ठीक है भारत के संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है तो आप जानते हैं संविधान संशोधन अनुच्छेद तीन भाग बीस भाग बीस के तहत संविधान संशोधन किया जाता है ठीक है तो अनुच्छेद और भाग बीस तो भाग बीस के तहत संविधान संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद संतावन में कहा गया है तो बताना है अनुच्छेद संतावन में क्या कहा गया है तो पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं यही सही लिखा है पूछा लिखा है एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इसके संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव लड़ने के पात्र होगा इतना याद नहीं करना है कुल मिला के बस यही याद रखना है अनुच्छेद संतावन में क्या है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान है समझ में आया तो यानी एक ही व्यक्ति पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकता है तो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कौन सा है अनुच्छेद संतावन समझ में आया तो इसको आपको याद रखिएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद संतावन किससे संबंधित है तो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद संतावन अगर पूछता अनुच्छेद तिरपन याद रखिएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है अनुच्छेद तिरपन में कहा गया है पूछता राष्ट्रपति का पद तो अनुच्छेद बावन में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद चौवन पूछेगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद चौवन के तहत किया गया है अगर पूछेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद इकसठ के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अगला पूछ सकता है अनुच्छेद बहत्तर तो याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान दिया जाता है अनुच्छेद बहत्तर में वो है ठीक है आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं दिया है इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है तो आप जानते हैं भारत में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद तीन के तहत नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है अनुच्छेद तीन के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और अनुच्छेद तीन के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है तो अनुच्छेद तीन हो जाएगा वित्तीय आपातकाल ऑप्शन नंबर बी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया तो सही आंसर होगा अनुच्छेद तीन सौ तैतालीस तीन आप तीन सौ तैतालीस देख रहे हैं तो यही समझ में आ जाएगा कि यहां दो को ऑप्शन दे दिया है ऐसे तीन सौ तैतालीस देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा से संबंधित है तीन सौ तैतालीस है ना तो याद रखना है अनुच्छेद तीन पूछेगा तो आपको याद क्या रखना है कि राजभाषा भाग सत्र में भाग सत्र में अनुच्छेद तीन से तीन तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद तीन के तीन में कहा गया है ठीक है क्या कहा गया है कि संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद तीन सौ के तहत ठीक है तो याद रखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी लेकिन यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कौन सा भाग सत्रह में राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद तीन सौ से तीन सौ इक्यावन तक ठीक है भारत के संविधान का भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है ठीक है तो आपको बताना है देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है ठीक है तो कौन सा भाग जो है देश के भीतर कौन सा भाग जो है देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है तो अनु भाग तेरह आप लोग पढ़े होंगे भाग तेरह जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद भाग हो तेरा। हो जाएगा जाएगा ठीक है आंसर ऑप्शन नंबर डी तो याद रखिएगा भाग तेरह देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है ऑप्शन डी और अनुच्छेद पूछेगा तो भाग तेरह का जो अनुच्छेद है तीन से लेकर तीन तक ठीक है भाग तेरह के अंतर्गत अनुच्छेद तीन से तीन तक देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है क्लास को फटाफट एक बार आप लोग लाइक और शेयर करें। आप सभी से हंबल रिक्वेस्ट करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है ठीक है तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है याद रखेंगे ठीक है और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास पावर नहीं होता है धन विधेयक के संबंध में पावर जो होता है लोकसभा के पास होता है याद रखेंगे और धन विधेयक का जो विवरण है अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है तो धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो याद रखना है धन विधेयक अनुच्छेद एक में उल्लेखित है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के 1950 के प्रारंभ से पहले भाग तीन के साथ असंगत कानून शून्य है तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत के सौ भारत के प्रारंभ से पहले भाग तीन के साथ असंगत कानून शून्य है तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद तेरह आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद तेरह ठीक है और ये किसके अंतर्गत आएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद तेरह जो है जैसे भी भाग ऐसे भी आप देखिए यहां पे लिखा है भाग तीन ठीक है तो याद रखना है अनुच्छेद तेरह आएगा ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ठीक है तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद तेरह भारत के संविधान के अनुच्छेद अस्सी के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कुल संख्या कितना हो सकता है 250 और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों का संख्या कितना है 245। तो याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकता है वर्तमान में दो सदस्य है राज्यसभा का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद याद रखना राज्यसभा का गठन अनुच्छेद अस्सी के तहत किया गया है सरला ट्रिक आपको याद होगा सरला उनासी अस्सी इक्यासी संसद का गठन अनुच्छेद उनासी के तहत राज्यसभा तो का गठन अनुच्छेद अस्सी के तहत लोकसभा का गठन अनुच्छेद इक्यासी के तहत समझ में आया तो संसद का गठन अनुच्छेद उनासी सेवेंटी नाइन के तहत राज्यसभा का गठन अनुच्छेद अस्सी के तहत लोकसभा का गठन अनुच्छेद इक्यासी के तहत ठीक है तो, तो राज्यसभा में अधिकतम दो सौ पचास सदस्य हो सकता है ऑप्शन नंबर बी भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है तो आपको बताना है कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है तो आपका जो सही आंसर होगा भाग ग्यारह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग ग्यारह तो भाग ग्यारह संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है और भाग ग्यारह के तहत अनुच्छेद याद रखेगा दो से दो ठीक है दो से दो तक याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से दो तक संघ और राज्यों के बीच में संबंध का प्रावधान किया गया है ठीक है अनुच्छेद 245 से दो तक भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच में संबंध को बताया गया है ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है तो एकदम आसान सा सवाल है आप जानते हैं अनुच्छेद इक्कीस में क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में क्या है जीने का अधिकार यानी प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है अगर पूछता अनुच्छेद 21 का कौ तो याद रखना है अनुच्छेद 21 के कौ में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा निशुल्क ऐसा कहा गया अनुच्छेद इक्कीस का कौ में ठीक है तो अनुच्छेद इक्कीस पूछेगा तो जीने का अधिकार हो गया अनुच्छेद इक्कीस में लेकिन अगर अनुच्छेद इक्कीस का कौ पूछे तो याद रखना है छः से चौदह वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद इक्कीस का कौ में ठीक है और अनुच्छेद इक्कीस का क कब जोड़ा गया है तो अनुच्छेद इक्कीस का क याद रखना है छियासी संविधान संशोधन द्वारा दो में जोड़ा गया है ठीक है अनुच्छेद इक्कीस का क पूछेगा तो अनुच्छेद इक्कीस का क 6 से चौदह वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है और छियासीवा संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है तो जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर सी जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो आपको बताना है कितने मौलिक कर्तव्य हैं फटाफट आंसर करेंगे कितने मौलिक कर्तव्य हैं ठीक है ठीके? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्यारह मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है तो वर्तमान में ग्यारह मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया शुरू में मौलिक कर्तव्य नहीं था याद रखना है कि कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस सौ छिहत्तर ईस्वी में दस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग चार का कौमे है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद इक्यावन का कौम उल्लेखित है तो याद रखना है कि बयालीसवां संविधान संशोधन द्वारा उन्नीस ईस्वी में दस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था लेकिन वर्तमान में ग्यारह मौलिक कर्तव्य है याद रखना है वर्तमान में ग्यारह मौलिक कर्तव्य है ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य छियासी संविधान संशोधन द्वारा दो ईस्वी में जोड़ा गया था ठीक है तो वर्तमान में ग्यारह मौलिक कर्तव्य है ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य छियासीवां संविधान संशोधन द्वारा दो में जोड़ा गया था तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है तो आपको बताना है कि कौन सा अनुसूची जो है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट सवाल है पूछ सकता है आपके एग्जाम में तो आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौथा अनुसूची कौन सा आंसर हो जाएगा चौथा अनुसूची ठीक है अब चौथा अनुसूची में क्या है तो आप जानते हैं याद रखना है कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची के तहत यानी राज्यसभा में सीटों का राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है अनुच्छेद चौथा में तो याद रखना है चौथी अनुसूची के तहत विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है तो आंसर हो जाएगा चौथा अनुसूची भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुदान और वादों से संबंधित है तो कौन सा भाग वित्त संपत्ति और अनुदान और वादों से संबंधित है आपको बताना है तो आंसर कर देंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग बारह होगा आंसर ठीक है भाग बारह याद रखिएगा भाग बारह तो पूछेगा अगर भाग बारह में क्या है तो याद रखिएगा वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है भाग बारह ठीक है वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है भाग बारह और भाग बारह का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है तो याद रखिएगा अनुच्छेद दो से अनुच्छेद दो से तीन सौ तक अनुच्छेद दो से तीन सौ तक अनुच्छेद दो से तीन सौ तक भाग बारह में उल्लिखित है और ये याद रखना है कि भाग बारह के अंतर्गत अनुच्छेद तीन से अन, सॉरी भाग बारह के अंतर्गत अनुच्छेद दो से अनुच्छेद तीन सौ तक वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों का प्रावधान किया गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग बारह चलिए अगला सवाल देखते हैं संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है तो आप जानते हैं ये डी पी एस पी के अंतर्गत आता है समान नागरिक संहिता आप जानते हैं अनुच्छेद चवालिस होगा आंसर ठीक है तो अनुच्छेद चवालिस क्या है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद चवालीस में किया गया है अनुच्छेद चवालीस डी पी एस पी के अंतर्गत आता है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद छत्तीस से इक्यावन तक उल्लेखित है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत याद रखना है कि भाग चार में उल्लेखित है ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक सर्वायत्ता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था ठीक है अब यह पूछा है कि किस वर्ष अपनाया था अनुच्छेद 370 थी को ठीक है तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 370 थी को किस वर्ष अपनाया गया था तो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक सर्वायत्ता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान ने अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था इंपॉर्टेंट सवाल है तो याद रखना है उन्नीस ईस्वी में ठीक है उन्नीस ईस्वी में अनुच्छेद 370 को अपनाया गया था आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया गया था तो वर्ष उन्नीस में ऑप्शन नंबर बी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे मतलब राज्य में राज्यपाल होगा यह किस अनुच्छेद में कहा गया है आपको बताना है तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राज्यपाल का जो पद है किसमें कहा गया है तो अनुच्छेद एक ठीक है तो राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे या किसमें कहा गया है तो अनुच्छेद एक में कहा गया है इसको आप याद रखिएगा ठीक है आप जानते हैं कि संविधान के भाग छह में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम पैंतीस वर्ष की आयु होनी चाहिए याद रखेंगे और राज्यपाल बनने का एक और क्वालिफिकेशन याद रखना है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और यहां आंसर क्या होगा राज्यों के राज्यपाल होंगे किस अनुच्छेद के तहत कहा गया अनुच्छेद एक ऑप्शन नंबर डी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है एकदम आसान सवाल है पूछा है कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है तो आपका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद अड़तीस ठीक है और ये डी के अंतर्गत आता है जानते हैं आप लोग तो अनुच्छेद अड़तीस राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है आंसर ऑप्शन नंबर सी तो कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो क्लास को सपोर्ट नहीं किए हैं लाइक like नहीं किए हैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग लाइक करें क्लास को सपोर्ट करें क्लास को शेयर करें और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करें चलिए अगला सवाल देखते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखना है अनुच्छेद बावन अनुच्छेद बावन के तहत राष्ट्रपति के पद को बताया गया है ठीक है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद बावन में क्या है राष्ट्रपति का पद अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का पद या किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद बावन के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद तिरपन पूछेगा तो आप जानते हैं कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद तिरपन में कहा गया है अनुच्छेद चौवन पूछेगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का उल्लेख है अनुच्छेद चौवन में समझ में आया अनुच्छेद अंठावन पूछेगा तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद अठावन में याद रहेगा अनुच्छेद अंठावन में क्या है राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख है अनुच्छेद अंठावन में अनुच्छेद बावन में क्या है राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद बावन में राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद तिरपन में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है अनुच्छेद अंठावन में राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद चौवन में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है तो आपको बताना संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 320 ठीक है याद रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 320 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद तीन इसको आप याद रखिएगा बाकी पूछ सकता है किस भाग में उल्लेखित है तो आप जानते हैं कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग चौदह में याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग चौदह में अनुच्छेद तीन से लेकर तीन तक संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से, से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद तीन के अंतर्गत भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित किया गया है आंसर ऑप्शन बी तो क्लास को फटाफट एक बार लाइक और शेयर कीजिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को राज्य के नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है यानी कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है तो सही आंसर होगा अनुच्छेद उनचालीस ठीक है सही आंसर क्या होगा अनुच्छेद उनचालीस तो याद रखना है अनुच्छेद उनचालीस राज्य के नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है और यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है किसके अंतर्गत आता है तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो इतना ही सवाल था उम्मीद करेंगे आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे किसी भी तरह का आपको सेशन देना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ क्लास में आप लोग रेगुलर रहेंगे तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा तो मिलते हैं अगले क्लास में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जय हिंद जय भारत जय बी धन्यवाद